डैडी। हाँ बोल। डैडी मैं कोई जानवर हूँ जो आपने मेरे जीवन की डोर उस कार्टून के हाथ देने का फैसला कर लिया? कार्टून? अरे बेटी इतना अच्छा दामाद पूरी बिरादरी में नहीं मिलेगा हैं? 25 मकान कुर्क करवा चुका है, 20-25 और करवाने वाला है, हर महीना लाख रुपया ब्याज का कमाता है, सोने चांदी का सामान जब्त करवाता है, ये कमाई अलग से। अरे उस घर में राज करेगी तू, राज। मुझे नहीं चाहिए डैडी ऐसा राज, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अरे तेरी जबान तो बहुत चलने लगी है, तू मेरी नाक कटवाएगी बिरादरी में? अरे मैं दमड़ी मल जी को जबान दे चुका हूँ पूछे बगैर। अरे तू कौन सी महारानी है कि तेरी शादी के लिए मैं तुझसे पूछूं? हैं? घर आई गंगा को लौटा दूं? मैं तेरा बाप हूँ, इतना भी हक नहीं है कि तेरी शादी मैं तय करूं? अरे तेरी शादी होगी तो चिराग मल से ही होगी, मेरा दामाद वही बनेगा, सुन लिया तूने? नो डैडी, नो। हरे ईश्वर, एक की एक बेटी दी है लेकिन बड़ी जिद्दी है, क्या करूं? दस बज गए, साहबजादे का अभी तक पता नहीं है। हाँ क्या फिक्र है उसे, बाप मर खप कर धंधा जो संभाल रहा है, उसे कमाना थमाना तो कुछ है नहीं, बस उसे तो सिर्फ गुल छर्रे उड़ाना है। अभी आप और कितना इंतजार करेंगे, चलिए खाना खा लेते हैं, बहुत देर हो गई है। हाँ डैडी मुझे भी बहुत भूख लगी है, और भैया कब आएंगे उसका कुछ ठिकाना नहीं है, चलिए ना खाना खा लेते हैं। ये सब तुम्हारे प्यार का नतीजा है, तुम्हारे लाल प्यार ने ही उसे बिगाड़ कर रख दिया है। मैं दिन रात धंधे के लिए भाग दौड़ करता रहता हूँ, और तुमसे सिर्फ इतना ही नहीं होता कि तुम उससे कहो कि वो धंधे में हाथ बटाएं, अब वो बच्चा तो नहीं रहा, उसे मेरे धंधे में हाथ बटाना चाहिए या नहीं? आप शांत हो जाइए, मैं समझाऊंगी उसे। समझा चुके तुम, अब मुझे ही समझाना पड़ेगा, बहुत हो चुका, अब ये सब नहीं चलेगा। ठीक है पर अब खाना तो खा लीजिए, चलिए चलिए ना मम्मी डैडी प्लीज खाना खा लेते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। विक्रांत को देखो, पूरा कारोबार संभाल लिया है उसने, गिरधारी को अपने बिजनेस के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करनी पड़ती, नया यूनिट डाल रहे हैं वो, और हमारे साहबजादे को देखो, उसे तो अपने बाप के साथ बात करने की भी फुर्सत नहीं है। बस भी कीजिए अभी, चलिए खाना खा लेते हैं, वो आएगा तब आएगा। बाबा तो आखिर मैनेजर को उसके लायक जोड़ी मिली गई। हाँ बाबा, है तो बेचारे ईमानदार लेकिन थोड़ा दब्बू है। हाँ बाबा आपसे तो बहुत डरते हैं, अब लोन मांगने के लिए भी आपसे हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे ही कहा आप ही सेठ जी से कहिए और मुझे लोन दिलवा दीजिए। डरपोक कही का, अगर उसे तेज तर्रार बीवी मिल गई ना तो जिंदगी भर उसका पल्लू पकड़ के घूमता रहेगा मोटा। बाबा उन्हें 25,000 रुपए का लोन चाहिए। दे देना, कम पड़े तो और भी दे देना। ठीक है। और बेटा मैनेजर अपना घर बसा रहा है तो तू भी तो अपना घर बसाने की सोच। मेरी पसंद की लड़की तो आपने देख ली है, फैसला आपके हाथ में। तूने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोच, ब्याह शादी कोई खेल तमाशा नहीं है, इसमें अपने हैसियत और सम्मान का भी ख्याल रखना पड़ता है, एक गलत फैसला सारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। देख बेटा, जिंदगी को सपने में नहीं जिया जा सकता, क्योंकि जिंदगी की जो हकीकत होती है ना बहुत कड़वी होती है, उसे पचाने के लिए बड़ी सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। मैं तेरा बाप हूं इसलिए तुझे आगाह कर रहा हूं, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी जिंदगी का, इसलिए जो भी कदम उठाना ना बेटा सोच समझ के उठाना। मैं तुम्हें नहीं कह सकता।
उपरांत क्या हम कहीं भागकर नहीं जा सकते? क्या कह रही हो ज्योति तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं बाबा को मना रहा हूं, मान जाएंगे। देखो हमें सब्र रखना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी विक्रांत। ज्योति तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? विक्रांत इस घर में मेरा दम घुट रहा है। डैडी अपनी बिरादरी के एक लड़के से मेरी शादी तय कर देंगे। क्या तुमने उन्हें इनकार नहीं किया? डैडी अपनी जिद पर अड़े हैं विक्रांत। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर मैं क्या करूं विक्रांत, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, सब्र करो, मैं मना लूंगा बाबा को। प्लीज रो मत। ज्योति प्लीज रो मत, मेरी बात मानो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ज्योति प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, चुप हो जाओ प्लीज। ज्योति नहीं, ज्योति के बाप से बात कर। आइंदा ज्योति को फोन करने की जरूरत मत करना। मेरी इज्जत से खिलवाड़ मत करना वरना। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बेटा मैं सूदखोर हूं, गलत क्या और सही क्या, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की चौपड़ी पर चौकड़ी मार दे और खाता बंद कर दे, इसी में तेरी भलाई है और मेरी भी भलाई है। क्या बात है आकाश, आज तुम अकेले ही नजर आ रहे हो। हाँ यार, मम्मी और पापा शादी के सिलसिले में दिल्ली गए हुए। अच्छा आकाश, ये जो फोन पे तुम्हें धमकियां मिल रही हैं, इसके बारे में तुमने अपने पेरेंट्स को बताया? सोचा तो था बता दो, मगर बाद में ख्याल आया कि खामखा शादी के माहौल में गड़बड़ी पैदा होगी। और तुम तो जानते हो कि वैसे भी डैडी हार्ट पेशेंट है, उनका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यस। अच्छा आकाश, तुम्हारा कोई ऐसा बिजनेस कॉम्पिटिटर तो नहीं है ना जिसे तुम्हारे नुकसान से फायदा मिल रहा? नहीं यार। तुम्हारी किसी से एनिमिटी तो नहीं है ना? मैं खुद ही इस तरह की नौबत नहीं आने देता कि मुझे कभी किसी के साथ उलझना पड़े। इसका मतलब यह है कि यह मामला अंडरवर्ल्ड वालों का है। आकाश तुम्हारे पास सेफ्टी के लिए तुमने पिस्टल या रिवॉल्वर तो रखा है ना? सच बताऊं विजय, मुझे आज तक कभी इन चीजों की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, लेकिन आजकल के माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि अपनी सेफ्टी के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। अरे तो आकाश जी अप्लाई कर दीजिए। एक जमाना था जब लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, उनके दिलों में खोट नहीं था, उनके नियत में कहीं खोट नहीं थी, पर अब तो तालों का भी भरोसा नहीं रहा। कब कहां चोरी होगी, मर्डर होगा, डाका पड़ेगा, कुछ नहीं कह सकते। ये दौलत की हवस में इंसान पागल पड़ गया है। क्राइम करके उसका हौसला बढ़ता है और यही हौसला बढ़ते बढ़ते एक दिन हम जैसे पुलिस वालों के लिए सरदर्द बन जाता है। उसी हौसले को तोड़ने की जरूरत है। आकाश याद है ना, दब के बात नहीं करना है, तुम उसे बातों में झांक रखना। मैं टेलीफोन एक्शन से पता करता हूँ कहाँ से फोन करता है, ठीक है? ओके। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ शादी सब ठीक ठाक चल रही है। अच्छा वापस कब आ रहे हैं आप? 2 रोज के बाद। ठीक है पापा, मैं घर पर ही रहूंगा, आपका इंतजार करूंगा। ओके पापा बाय। पापा का फोन था, 2 रोज के बाद वापस आ रहे हैं। विजय तू भी मेरे साथ रहकर बोर हो गया होगा ना? अरे यार आकाश बोरियत कैसी, ये क्रिमिनल्स के चक्कर में भागने की आदत पड़ गई है मुझे, तुझे ना मिल। ओह माय गॉड 2 बज गए यार रात के, चलो चलकर थोड़ी देर आराम करते हैं।